लड़का था, उसका नाम था गोविंद जायसवाल। जब वो 6th स्टैंडर्ड में था तो पता है खेलते खेलते अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। दोपहर का समय था, उसके उसके दोस्त के पापा क्या करते, उसका हाथ पकड़ते और बोलते, तुम्हारे जैसे लड़का का स्टेटस ऐसा कैसे हो कि मेरे घर तक तुम पहुंच गया, और उसको पकड़ के उसको बाहर कर देता है। बहुत दिन तक उसको ये बात समझ में आता ही नहीं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। एक भैया थे, उनसे पूछा, भैया ऐसा उन्होंने क्यों किया? कहा भैया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा स्टेटस वैसा नहीं, इसीलिए। मतलब भैया स्टेटस को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो भैया बोले ना, सबसे बड़ा अगर ऑफिसर का पोस्ट है तो आईएएस ऑफिसर का पोस्ट होता है, तुम अगर वो बन जाओगे तो फिर तुमसे ऊंचा कोई नहीं होगा ऑफिसर में। 6th स्टैंडर्ड की बात है, वो लड़का मैट्रिक पास करता है, इंटर करता है शायद, हाँ इंटर करने के बाद उसके पापा एक छोटी सी ज़मीन थी, वो ज़मीन बेच देता है उसके पापा और 8,000 रुपये देते, वो लेके चला जाता है दिल्ली। और जिस रूम में रहता था गांव में, वहाँ पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी, कानपुर की बात है, छोटी सी झोंपड़ी थी, उसी झोंपड़ी में उसकी बहन और वो माँ बाप सब लोग रहते थे, एक ही परिवार के 5 लोग या लगभग रहते थे उसमें। सोचो कैसे एडजस्ट कर, उसी में खाना भी बनाना है, उसी में सोना भी है। उसके पापा ने एक ज़मीन था वो बेच के पैसा दिया, वो लेके चला गया दिल्ली, दिल्ली में पढ़ाई शुरू किया, पैसे ख़त्म हो गया था, बहुत दिक्कत उसको हो रहा था, उसको जॉन्डिस पे हो गया था। वो बता, वो जब न्यूज़ में आए थे वो बता रहे थे कि जो टिफ़िन आता तो दोपहर का आधा खा लेते थे और आधा रखते थे रात में खाएंगे, यानी एक टाइम का खाना उसको मिलता था दोपहर में, उसको रख लिया, आधा अभी खाएं और आधा रात में खाएंगे, उन्हें आधा दोपहर में आधा रात में खाते थे। और एक समय ऐसा आया, वो एग्जाम देते हैं, पीटी पास करते हैं, फिर मेंस एग्जाम देते हैं, वो पास करते हैं, फिर इंटरव्यू का समय आता है, उसके उनके पास उस समय पैसा नहीं था। उसकी बहन जिनकी शादी हो गई थी, उसकी बहन का हालत बहुत ख़राब था, उसकी बहन प्रेग्नेंट थी, तो उनको बोला गया, तो डॉक्टर ने उनसे कहा था कि आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा नहीं तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। वो बहन ने क्या किया, बोले नहीं मैं ट्रीटमेंट बाद में करवा लूँगी, सबसे पहले मैं अपने भाई को पैसा दूंगी। और उसने पैसा दिया ताकि मेरा भाई जूता मोजा कोट पैंट टाई खरीदे और इंटरव्यू देने के लिए जाए। उसके तो हम बाद में अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे। वो भाई जाता है इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू क्रैक कर लेता है। सैंतालीसवां रैंक मिलता है उसको। उसके पापा रिक्शा चलाते हैं। राजीव है ना, और जब वो मीडिया के सामने आता है, उसकी बहन को भी बुलाया जाता है मीडिया पर, बोलता है उसकी बहन को, एक मीडिया पर्सन पूछता है, अगर आपका भाई नहीं बन पाता तो कहती है ना जाने कितनी लाशें घर से निकलती, मतलब कितना तकलीफ में वो इंसान होगा। गोविंद जायसवाल 47वां रैंक, और उन्होंने ये बात कहा था कि आपके पास, उन्होंने एक बार कहा था जब मीडिया में पूछा कि सोसाइटी वाले आपको कुछ बोलते थे इस तरह का कुछ पूछा गया था, फिर बोल रहे देखिए सोसाइटी में सब लोग कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे, देखा जाए तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला कि सोसाइटी में कोई अगर क्रिटिसाइज करता है तो उससे लड़ो और अपना समय बर्बाद करो, दूसरा कि किसी को कुछ जवाब ना दो और पढ़ाई में मन लगाओ, उस समय को अपने पढ़ाई में लगाओ और रिजल्ट दो और रिजल्ट से सबको जवाब मिल जाएगा। और मैंने वही किया। आप उसको गोविंद जायसवाल को देखो और एक बार आपने सोचो अपने लाइफ में कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पता है सबसे बड़ा हथियार, द वेपन विच वी हैव, यू नो व्हाट, करेज टू डू समथिंग। We all have capability and we will have to turn our capability into ability. I know that I cannot fight with the particular person, but might be
आई विल डू जिम और आई विल एक्सरसाइज, 1 month लेटर इट मे बी दैट आई विल फाइट एंड आई विल विन द गेम. द फियर विच यू कैरी इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट. वी ऑल हैव फियर, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, मोस्ट ऑफ अमंग अस हैव फियर. देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइट विद द फियर, फेस द फियर एंड डिफीट द फियर. इफ यू आर नॉट गोइंग टू फाइट विद द फियर, द डेफिनेटली फियर इज गोइंग टू डिफीट अस. हाउ लॉन्ग यू विल कैरी द फियर? आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन माई लाइफ, somehow they have fear, they spoil their life due to fear, and really right now they don't have anything to do something in their entire life. What they wanted to be something but they could not be, well, option they had, they can open their shop, they reckon they can run any kind of business. But actually the thing is that the business they were doing, that is not bad, they can do something. But actually what they wanted to do, they wanted to do something, and really right now they are not able to. I had a conversation with a particular person. They told me, sir, I wanted to be a doctor, my most of the friends are doctors, sir. Unfortunately, sir, I could not be, I am running my own business, sir. Are they happy? No, they are not happy, because somewhere in their soft corner of the heart, they carry their career objective which they had earlier in their mind. But right now they have lost their hope. Why? Their race has been expired. So before getting late, we must try to take action. Suppose that I'm going to decide that, okay, tomorrow I will study, and tomorrow I will decide, 1 week later I will study, Monday, next Monday I will study, next month I will study, next year I will study. If you have such kind of activity or such kind of habit, which you are in the habit of postponing your activity or postponing your work, really such kind of activity is going to spoil your life. Take action immediately. What kind of action? You have to read. सोच लो कि ये किताब तो मुझे मिला है, ये कल कोई और लेके चला जाएगा, तो कैसे आप पढ़ोगे? कल आपका किताब कोई लेके चला जाएगा तो कैसे पढ़ोगे? कि नहीं, आज ही मेरे पास समय है, मैं इसको जितना पढ़ना चाहता हूँ पढ़ लूँ, कल हमको मिलेगा नहीं. बस उसी तरह अंदाज से पढ़ो, एक्साइटेड होकर पढ़ो, पैशन होना चाहिए.